तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का हुआ भव्य स्वागत। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 51 किलो के फूलों की माला से स्वागत किया है। तो सचिन पायलट के करीबी नेता हैं अभिषेक सैनी, कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार अभिषेक सैनी के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, जयपुर से अजीतगढ़ किसान सम्मेलन में जाते समय चौमू सामोद पुलिया के पास पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार अभिषेक सैनी के सानिध्य में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की फूल माला पहनाकर स्वागत किया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जीतना है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जयपुर से अजीतगढ़ किसान सम्मेलन में जाते समय चौमू सामोद पुलिया के पास पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार अभिषेक सैनी के सानिध्य में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का भव्य स्वागत किया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कांग्रेस के भावी उम्मीदवार अभिषेक सैनी के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है।